तुझे तारा सिंह नु पहचान दे नहीं, दुश्मनों नु पूछो तारा सिंह कौन है, तारा सिंह कौन है, तारा सिंह कौन है। बॉलीवुड के शेर सनी देओल, बॉबी देओल, जो कि एक एंग्री मैन की भूमिका से जाने जाते हैं, आइए नजर डालते हैं उनके कुछ बेहतरीन सीन्स के ऊपर। फेंक दो ये वर्दी, अब एंड लेवल वन का पट्टा अपने तले पे, ये बस ऐसे गरीब कमजोर लोगों पर दिखा अपनी मर्दानगी। वर्दी का रोब इन्हीं के हाथों को बांट सकती है तुम्हारी हथकड़ियां, बलवंत राय के नहीं। जाकर तुम हिलाना उनके सामने, तलवे चाटना, बोटियां फेंकेंगे बोटियां। वादा रहा, जब भी मैं गोली चलाऊंगा तुम्हारे सीने पर चलाऊंगा, वो भी दाहिनी तरफ, ताकि तुम तड़प तड़प कर मर सको। ऐसी गलती मत करना नेगी साहब, अगर दाएं बाएं के चक्कर में निशाना चूक गया तो मैं आपको तड़पने का मौका भी नहीं दूंगा। गोविंद चिल्ला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा, ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोब। तुम आदमी काम के हो, लेकिन मेरा उसूल है काम खत्म आदमी खत्म। और मेरा उसूल है आदमी खत्म काम खत्म। कमीने, मेरे भाई पर वार किया, तू क्या समझता तू बच जाएगा? हाँ? अगर तुमने मेरे भाई को कुछ किया तो तो तो, तो समझ जाओ हमारा प्यार मर गया। क्या कहा? प्यार मर गया? तुम्हारे भाई पर बात आई तो प्यार मर गया? वो अस्पताल में पड़ा जो हर सांस के लिए लड़ रहा है, क्या लगता है वो तुम्हारा? अगर यही हरकत किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट ने की होती तो मैं उसके ऑफिस में घुसकर उसे मारता। अगर एमएलए ने की होती तो मैं उसके इलाके में घुसकर उसे मारता, क्योंकि मेरा उसूल है नो एफआईआर, नो अरेस्ट, नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। क्या चाहता है तू? क्या चाहता है? मौत, मौत चाहता है तू? तेरे सारे कुत्तों को मैंने मार दिया, मगर वो राजू को कुछ नहीं कर सके, वो जिंदा है। तेरा कोई भी बारूद, कोई भी हथियार उसे मार नहीं सकता। आज के बाद तेरी हर सांस के पीछे मैं मौत बनकर खड़ा हूं। हमारे हिंदुस्तान में कहावत है, कुत्ता जब तक वफादारी करे उसे भरपेट खिलाओ, और जब पागल हो जाए उसे गोली मार दो। रोक, अगर सातो एक पाप दे तो रोक, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा, सातों को सात मारूंगा, एक सात मारूंगा। अरे रोक। आशिक, आशिक वो होता है अगर कोई उसकी महबूबा की तरफ नजर उठाकर भी देख ले तो वो देखने वाले की आंखें निकाल ले। तू आशिक नहीं, दलाल है, दलाल। जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है बाबूजी। ये कलीना वाले प्लॉट के पेपर्स हैं लाल सिंह, आज के बाद इस जमीन पर तेरी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। इन पेपर्स पर साइन कर, तेरी जिंदगी के 5 साल मैं बख्श देता हूँ। देवराज, देवराज खत्री, नरकोटिक्स डिपार्टमेंट का चीफ, बाबा किसी को भी मार सकता है ना, तो मार ना, मार। खान साहब, खुद की तारीफ सुनकर पसीना आ रहा है। चुप! किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलेगी। कहते हैं जब मेरा बाप मरा था तो मेरी माँ की आवाज बंद हो गई थी। And I'll make it official. Good, good. बहुत अच्छी बात बोली तूने। रिंग में मारूंगा तुझे, क्योंकि वही मुझे अपने भाई का हक जीता है, उसकी बेल्ट
मेरे डैड का ऑनर और मुझे सुकून मिलेगा तेरी मौत से जब मैं तुझे मार दूंगा एंड दैट विल बी ऑफिशियल 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 डेथ। इस रेत में मेरे बाप के तड़पने की आवाज सुन दुनिया में कोई ऐसा मुल्क ही नहीं है जो हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर सके।